जिला मुखिया संघ की एक बैठक गुरुवार को अफसर कॉलोनी स्थित अंबेडकर भवन में आहूत की गई। बैठक में सदर प्रखंड के सभी पंचायत के मुखिया उपस्थित हुए। इस दौरान निर्णय लिया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेशानुसार 4 जनवरी को ग्राम सभा आहूत कर अबुआ आवास के लिए जो लिस्ट मांगा गया था और जो हम लोगों ने जिन गरीबों और घर विहीन का नाम दिया है उन्हीं लाभुकों का इसका हक दिया जाए। बताया गया कि राज्य सरकार ने झारखंड में घर विहीन और गरीब के लिए अबुआ आवास योजना लेकर आई है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर में सभी पंचायत में कई 100 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिले के पंचायतों के कार्य में एकरूपता लाने हेतु ग्राम सभा में वरीयता का निर्धारण कर जो योग्य लाभुक है उनका ग्राम सभा में चयन कर नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा देने को कहा गया था। मुखिया संघ के लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अपने अपने पंचायत में ग्राम सभा आयोजित कर योग्य लाभुकों का चयन कर प्रखंड कार्यालय में लिस्ट जमा कर दिया है। अगर ग्राम सभा में लिए गए प्राथमिकता को प्रखंड जिला और राज्य स्वीकार नहीं करती है तो मुखिया संघ चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संघ के जिला अध्यक्ष भागीरथ मंडल ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के सचिव द्वारा कहा गया कि उम्र के वरीयता के आधार पर अबुआ आवास के लाभुकों का चयन किया जाए। कहा कि इस तरह से लाभुकों का चयन होने से कई लोग वंचित हो जाएंगे और इसका लाभ सही लोगों को नहीं मिल पाएगा। मौके पर मुखिया महेंद्र चौधरी, कन्हाई राम, कैलाश यादव, दशरथ किस्कू, मनोज गुप्ता, मुन्ना लाल, सबीर आलम, मोहन मंडल, कलौती देवी, अमित गुप्ता, मोहम्मद समीम, नूरुद्दीन अंसारी, अकबर अंसारी, बेबी देवी, राजकुमार सहित सैकड़ों मुखिया उपस्थित थे। गिरिडीह से अख्तर इमाम की रिपोर्ट। आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे अम्बेडकर भवन में मुखिया जिला संघ का अध्यक्ष के समक्ष में यहाँ पर हम लोग बैठक रखे हुए हैं कि अबुआ आवास को लेकर। लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंचा ग्राम सभा, ये नियम सभी को जानते हैं और हम लोग यही ग्राम सभा को मानते हुए जो भी अबुआ आवास में प्रायोरिटी सेट करके हम लोग देना चाह रहे हैं वो प्रखंड स्वीकार करे, जिला स्वीकार करे और पूरा राज्य स्वीकार करे। अन्यथा अगर वो स्वीकार नहीं करते, हम लोग के प्रायोरिटी को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम लोग पूरे 344 मुखिया जो हमारे गिरिडीह जिला में हैं हम लोग चरणबद्ध करके एकदम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अन्यथा हम लोग का जो भी मांग है, जो भी प्रायोरिटी हम लोग सेट कर दिए हैं, जो पिछला 4 जनवरी को जो हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से जहां हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित होकर खुद उन लोग प्रायोरिटी सेट किया है और उन लोग के प्रायोरिटी को दरकिनार किया जा रहा है, ये सारा सर या पदाधिकारी इसमें दोषी है या सरकार दोषी है, इस पर जल्द से जल्द हम लोग को जो मांग है उसको पूरा करें। हम लोग जो भी अबुआ आवास में गाइडलाइन जो भी दिया गया था उससे पहले हम लोग मुखिया संघ के कहीं ना मीटिंग भी नहीं किया गया, हम लोग को डार्क में रख करके सारा काम किया गया है जो सारा सर गलत है, इस पर सुधार करें अन्यथा हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। आज गिरिडीह जिला मुखिया संघ की बैठक गिरिडीह के अम्बेडकर भवन में चल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश में अबुआ आवास योजना को लागू किए हैं और इस आवंटन में हम लोगों ने जो चार अब क्या बता आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा के द्वारा ये क्या बोलते उसको मेला लगा करके जो हम लोगों ने आवेदन प्राप्त किया है गरीबों से पिछड़ों से इस सब को लेकर के जो हम लोगों ने ग्राम सभा के माध्यम से जो सरकार के द्वारा माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ हम लोगों को सभी पंचायतों को कि 4 तारीख 4/1/24 को ग्राम सभा का तिथि निर्धारित किया गया और हम लोग पूरे जिला के मुखिया ने 4 तारीख के दिन सभी पंचायतों में अपने ग्राम सभा के माध्यम से जो हम लोगों ने गरीब के लिए कच्चे मकान मकान विहीन परिवारों के लिए जो हम लोगों ने चयन किया है उसको हम लोगों कहते हैं कि सरकार को कि उस जो ग्राम सभा द्वारा जो तय किया गया है उसको आप लागू करें तभी हम लोग गरीब गुरबों तक आवास को आवंटन देने का काम कर पाएंगे। क्या है मतलब क्या आदेश आया और क्या चाहते हैं आप? आदेश आया कि हमारे सचिव महोदय झारखंड के ग्रामीण विकास सचिव महोदय चंद्रशेखर जी के द्वारा आदेश आया था कि उम्र के वरीयता के आधार पर चयन करें। अगर हम लोग उम्र की वरीयता पर चयन करते हैं तो हमारे जो गरीब गुरबे हैं जिनका आवास मिलना चाहिए वैसे लोग उससे वंचित रह जाते हैं। क्या चाहते हैं? इस परिस्थिति में हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे मुखिया जी लोग ग्राम सभा के द्वारा जो गरीब गुरुओं का जो चयन किए हैं जो सूची बनाए हैं उस सूची को लागू करें मान्य हो। आज जिला मुखिया संघ का बैठक अम्बेडकर भवन में जो किया गया और स्पेशली इस पे
सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया था, जिसमें से यह फिक्स था कि ग्राम सभा की जो बातें हैं, ग्राम सभा में जो वरीयता तय की जाएगी, ग्राम सभा में जो प्राथमिकीकरण किया जाएगा वही सर्वमान्य होगा। पुनः फिर से एक आदेश निर्गत किया जाता है कि अगर सामान्य स्कोर होता, सामान्य स्कोर पर जन्मतिथि को वरीयता दिया जाएगा, यह बिल्कुल गलत है। इस पर हम लोग योग्य लाभुकों का चयन करने में मुखिया जी के द्वारा और साथ ही साथ ग्राम सभा को काफ़ी परेशानी झेलना पड़ेगा, क्योंकि वरीयता का निर्धारण हम लोग योग्य लाभुकों का चयन में नहीं कर सकते। पूरा जिला मुखिया संघ और सभी पंचायतों के मुखिया जी का यही मानना है कि अगर योग्य लाभुकों का चयन करना है तो उस वरीयता सूची में से जन्मतिथि को हटा दिया जाए और ग्राम सभा को सर्वोपरि माना जाए। जैसा कि भी कहा जाता है कि न लोकसभा न राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, इसी बात को जिला मुखिया संघ इस बात को मानता है और हमेशा यह बात को लेकर के चलेगा, क्योंकि प्रत्येक योजनाओं का सिलेक्शन अगर ग्राम सभा करती है तो यह भी एक सरकार की योजना है जिसमें ग्राम सभा को प्राथमिकीकरण करने का आदेश पूरी तरह से दिया जाए, और नहीं करने पर जिला मुखिया संघ ग्रीडी पूरी तरह से बाध्य होगा इस काम को नकारने में, साथ ही साथ इस पे चरणबद्ध आंदोलन करने में भी सक्षम है और करेगी। आज अंबेडकर भवन ग्रीडी में जिला मुखिया संघ की सभी मुखियाओं का बैठक हुआ, जिसमें सभी प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष और सभी पदाधिकारीगण और कई मुखिया उपस्थित हुए। इसमें मुख्यतः जो है अगुआ आवास में जो वरीयता निर्धारण के लिए जो एक गाइडलाइन जो दिया गया है आवर सचिव के द्वारा, उसी को लेकर के बैठक हुई। पूर्व में जो अगुआ आवास की जो निर्देशिका थी 5.1.1 में, उसमें दिया गया था कि जो लाभुक वैसे योग्य हैं उनकी योग्यता जो है और उनकी वरीयता ग्राम सभा तय करेगी, और जिसके अनुसार हम लोगों ने 4 जनवरी को ग्राम सभा करके उसका हम लोगों ने ग्राम सभा से सारी सूची तैयार कर ली थी। मगर उसके बाद जब जो चिट्ठी आती है, जिसके वजह से क्या है कि हम लोगों के बीच में संशय हो गया और हम लोग जो है निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि अगर वो जो सूची प्रखंड द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है उसमें क्या हुआ कि पूर्व में कोई कार्यशाला नहीं की गई, जिसके कारण लोगों को जो है सभी मुखियाओं को यह पता नहीं चला कि हम किस तरह से सही ढंग से स्कोरिंग कर सके, और उसके वजह से स्कोर जो देना चाहिए था, जो लाभुक जिनको प्राथमिकता चाहिए वैसे लोगों को हम लोग स्कोरिंग नहीं कर पाए, जिसके वजह से क्या हुआ समान स्कोर सभी लोगों को मिल गया। अब जब समान स्कोर मिल गया है, उसमें सचिव महोदय का जब चिट्ठी आया है कि वरीयता का निर्धारण उम्र के हिसाब से किया जाए, जिसमें हम लोग क्या कि जो लोग ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं वैसी स्थिति में हम लोग उन लोगों को लाभ नहीं दे पा रहे हैं। अगर वरीयता उम्र के हिसाब से करेंगे तो वैसे लोग जो है जो अति आवश्यक है जिनको वो वंचित रह जाएंगे। इसके लिए हमारा जिला मुखिया संघ माननीय मंत्री जी से भी मुलाकात किया और अवर सचिव से भी मुलाकात की और सभी लोगों को हमारी समस्याओं से अवगत कराए। अब जिला मुखिया संघ एक ठोस निर्णय ली है कि जो ग्राम सभा में हम लोगों ने वरीयता निर्धारण किया था वही का उसी का मतलब फोटो कॉपी हम लोग अभी प्रमाणित करके प्रखंडों में सभी जिला गिरिडीह जिला के मुखिया संघ अपना अपने अपने प्रखंडों में जमा करेंगे, और अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है, अगर कोई अन्य दिशा निर्देश मिलता है तो हम लोग पूरे मुखिया संघ जिला गिरिडीह के चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।